हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल नॉट्स एंड फैक्ट्स में। हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिया हूं आपका एनसीईआरटी बुक से और आरएस अग्रवाल बुक से, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम लोग पास ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए, तो वहाँ पे आप जाके सीरियल वाइज देखिए, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो ये देखते हैं। ये बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये काफी बार पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। हम लोग, मैं आपको इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको ये फॉर्मूला बताया था, आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं पता होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें कौन सा, देखिए टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या बताया था, उसमें बताया था कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला मैं करा दिया था, क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे उसी तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसको आगे पीछे कर लेते हैं, तब सोल्व हो पाएगा अच्छे ढंग से। साइन एक्स इसको आगे कर लेते हैं, इंटू में कोई दिक्कत नहीं है, साइन 3x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा साइन 2x हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साइन ए साइन बी दिखाई दे रहा है, देखिए साइन ए साइन बी, लेकिन 2 तो नहीं है, तो 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू क्या होगा साइन 3x हो जाएगा, क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, अरे ये क्या है यहाँ पे साइन 2x है dx, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब यहाँ पे देखो 1/2, यहाँ पे क्या है 2 साइन है, साइन भी दिखाई दे रहा है, अब देखो यहाँ पे 3x होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 2 साइन है, साइन भी है, ठीक है? अब 2 साइन है, साइन भी है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लग रहा है, यहाँ पे 2 कोस, यहाँ पे कोस ए में क्या है आपका, तो ए में है x माइनस क्या होगा 3x हो जाएगा, माइनस कोस ए प्लस बी, ए में क्या होगा x, यहाँ पे क्या होगा 3x, क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे साइन 2x क्या रखेंगे, साइन 2x dx, क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे पूरा यहाँ 2 नहीं लगेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कोस एक्स माइनस 2x, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स माइनस 3x, तो यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा, माइनस कोस यहाँ पे क्या होगा 4x हो जाएगा, क्लियर है? और यहाँ पे ये क्या है साइन 2x, ओके। अब देखो यहाँ पे 1/2, क्लियर है, दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है? देखो ये साइन 2x, इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या दिखाई देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन 2x आ जाएगा, क्लियर है? और ये वाला में माइनस बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि कोस माइनस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स ही होता है, इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 2x होगा माइनस ये, यहाँ पे क्या है कोस 4x है, ये यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2x होगा ना, साइन 2x यहाँ पे dx, क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट, ओके। अब देखो यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे हम लोग 2 साइन ए साइन भी रहता तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, तो हम लोग यहाँ पे साइन 2a लिख सकते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे हाफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2x इंटू क्या हो जाएगा कोस 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ये इंटीग्रेशन यहाँ तक बट गया, क्लियर है? और ये इंटीग्रेशन को फिर बांटेंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए बांट दिए हैं, यहाँ पे क्या होगा फिर से ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लोगों को पता चल जाएगा फॉर्मूला, ठीक है? यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए जानबूझ के किए, ताकि हम लोग सही ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो 1/2, ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 साइन ए कोस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी 2 साइन ए कोस ए, इसे हम लोग कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग इसे जानते हैं साइन 2 ए, तो साइन 2 ए, तो 2 ए में क्या है 2 एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है? डी एक्स। अब यहाँ पे देखो ये 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला है, तो देखो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बताया था, 2 कोस ए क्या बताया था, 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला, इसे पहले वाला वीडियो में बताए थे, साइन क्या होता है ए प्लस बी होता है, माइनस साइन क्या होगा ए माइनस बी होता है, क्लियर है यहाँ पे? तो बस उसी में हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो साइन ए ए में क्या है 4x है, प्लस बी 2x हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस साइन ए में 4x माइनस क्या होगा 2x, क्लियर है? डी एक्स, ओके। यहाँ तक हम लोग बस यहाँ पे क्या है देखो पता चल ही गया होगा, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, हम लोग साइन 2a का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो 2 साइन ए कोस जानते हैं, 2 साइन ए कोस ए, तो वही चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है ना, देखो 2 साइन ए कोस ए, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखे हैं साइन 2a लिखे हैं, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। 1/4 हो गया, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा साइन 4x हो गया, अब साइन 4x इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, क्लियर है? अब आगे देखो यहाँ पे 1/4 हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x और यहाँ पे 2x कितना 6x हो जाएगा, क्लियर है? माइनस यहाँ पे साइन कितना होगा 2x होगा, क्लियर है? डी एक्स यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा, साइन क्या होगा सॉरी कोस
फोर एक्स होगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, वन बाय फोर। अब यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे साइन का क्या होगा, माइनस कोस सिक्स एक्स है, तो सिक्स एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, सिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, अब साइन का क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस कोस, टू एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, टू प्लस सी। अब यहाँ पे देखो माइनस वन बाई सिक्सटीन कोस फोर एक्स, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस वन बाई, यहाँ पे फोर सिक्स है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वेंटी फोर कोस सिक्स एक्स, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे फोर टू जाएगा कितना हो जाएगा एट हो जाएगा, यहाँ पे कोस क्या होगा टू एक्स हो जाएगा, प्लस क्या होगा सी होगा। क्लियर है यहाँ तक, सब समझ में आ गया सबको? ओके सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही होगा ना। ओके माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस, आपसे भी मिस्टेक हो सकता है एग्जाम में, अच्छे से ढंग से यहाँ पे लिख लोगे। क्लियर है सबको, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखो और समझने का थोड़ा सा कोशिश करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, कोस टू एक्स माइनस कोस टू अल्फा डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस कोस अल्फा डी एक्स, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे सोल्व किया जाएगा, अंदाजी तुम सोल्व करने निकल जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, कोस टू एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एक ये जानते हैं ना, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, जानते हैं या नहीं जानते, नहीं जानते तो जान लीजिए। ऐसे भी कोस टू एक्स का चार को फॉर्मूला होता है जो हम बता चुके हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे कोस टू एक्स, तो कोस टू एक्स का फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखेंगे, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे कोस टू अल्फा क्या लिखेंगे, तो टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कोस एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या होगा कोस अल्फा। क्लियर है? ओके अब यहाँ पे देखो टू कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, माइनस टू कोस स्क्वायर क्या होगा अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस वन होगा ना। ओके डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो कोस एक्स माइनस क्या होगा कोस अल्फा हो जाएगा डी एक्स, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग टू को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, टू को कॉमन करेंगे ऊपर से, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस क्या दिखाई देगा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा दिखाई देगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कोस एक्स हो जाएगा माइनस क्या होगा कोस अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या बताए, यहाँ पे हम बताए हैं कोस एक्स प्लस कोस अल्फा, फिर यहाँ पे कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, यही ना बताए। अब यहाँ पे क्या है कोस एक्स माइनस क्या कोस अल्फा हो जाएगा, क्लियर है डी एक्स। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो अभी हम लोग किसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग इंटीग्रेशन करना है कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा साइन एक्स, क्लियर है प्लस। अब यहाँ पे देखो कोस अल्फा, तो कोस अल्फा तो कॉन्स्टेंट पार्ट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, कोस अल्फा बाहर निकल गया। अब यहाँ पे डीएक्स आ जाएगा, अब यहाँ पे डीएक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे डीएक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इससे एक्स मिलेगा। देखो यहाँ पे सबको गलत करता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्लियर है? ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। देखो अब इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो वन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है, और क्यों यही वाला फॉर्मूला लिए अभी आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या है कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या है कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई इसके नीचे चला जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स, क्लियर है? यहाँ पे इसके नीचे चला जाएगा तो क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स, यही ना होगा डी एक्स। यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वन बाई कोस, तो वन बाई कोस क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कोस कोस कैंसिल होगा वन बाई साइन, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो छोटा सा है बात, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग नहीं सकोगे एग्जाम में। यहाँ पे टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा टेन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस क्या होगा कोट एक्स प्लस क्या होगा सी, यह हो गया आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइन का पावर सिक्स एक्स प्लस यहाँ पे क्या है कोस का पावर सिक्स एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में देखने को ऐसा मिल सकता है,
क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे साइन क्यू साइन का पावर 6x है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन का पावर अच्छा साइन स्क्वायर एक्स इसका पावर क्यूब लिख सकते हैं, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स, और इसका पावर क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं, क्लियर है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, यही ना है। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यूब। अब ए क्यू प्लस बी क्यूब में क्या बताता है, ए प्लस बी बताता है, फिर क्या बताएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी बताएगा, प्लस क्या बताता है, बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो अब यही चीज यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, तो देखो ए का स्क्वायर करेंगे, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर एक्स हो गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, माइनस ए बी, ए में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, अब बी में क्या है, कोस स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे बी है, तो बी का अगर कोस स्क्वायर एक्स है क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर है। डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, यही ना है। ओके अब आगे देखो, अब इसका वैल्यू तो क्या होता है, वन हो जाता है, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, वन हो जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, साइन का पावर क्या, फोर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर क्या है, एक्स है, प्लस यहाँ पे कोस का पावर क्या होगा, फोर एक्स हो गया, डी एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है इंटू क्या है, कोस स्क्वायर एक्स। ओके अब देखो आगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये दोनों को देखो, साइन का पावर 4x है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको भी आगे यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या, कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग, और एक चीज जानते हैं, कौन सा चीज जानते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे, अगर ए का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे बताओ, हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग जानेंगे साइन स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो साइन 4x हो जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है, ए ना होगा, प्लस 2ab, यहाँ पे ए बी, बी में क्या है, कोस स्क्वायर एक्स है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ तो है, लेकिन हमको ये ना लाना है, ये ना हम लोग के लिए पूछा गया है, ये दोनों ना पूछा गया, तो इसको इधर साइड लेके लाएंगे, इक्वल टू से इधर लेके लाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यही लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये चीज इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 sin² x इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, यानी 4 को हम लोग ऐसे ही ना लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले में, किसके बदले में, इसके बदले में, क्लियर है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। ओके तो यहाँ पे इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बदले हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a, फिर b, ये लिख दिए, ये उतर गया, अब इसका हम लोग माइनस क्या लगाएंगे, 2 sin² x और कोस, सॉरी माइनस साइन है सिर्फ, डी एक्स डी एक्स, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, यही ना है। यस अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है हम लोग के पास 1 होता है, जानते हैं आप लोग, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 sin² और माइनस साइन, मतलब ये दोनों सेम सेम है, -2 और -1, तो क्या हो जाएगा, -3, यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या, कोस स्क्वायर एक्स, यही ना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब हम लोग इसके नीचे इसको बांट देंगे, इसको नीचे इसके बांट देंगे, तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो 1 बाय यहाँ पे इसके नीचे इसको बांट देंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर माइनस, अच्छा डी एक्स, इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग इसका करेंगे, देखो अभी जस्ट हम बताते हैं ऐसा वाला क्वेश्चन का भी क्या बताते हैं, अगर 1 रहता है ऊपर में, तो इसका क्या लेते हैं हम लोग, तो इसका लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 1 क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं दोबारा, क्लियर है। और यहाँ पे नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे 3 डी एक्स, यही ना है, किसका भी, यहाँ पे डी एक्स। अब यहाँ पे देखो
कोस साइन स्क्वायर एक्स नीचे ये दोनों चला जाएगा, तो साइन साइन कैंसिल हो जाए तो वन बाई कोस होगा। यहाँ पे वन बाई कोस को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और यहाँ पे इस कोस स्क्वायर के नीचे ये इस दोनों को ले जाएंगे, तो कोस कोस कैंसिल हो जाएगा तो वन बाई साइन स्क्वायर होगा, उसको ऊपर लिखेंगे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन थ्री डी एक्स हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ बताओ सेक स्क्वायर एक्स अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, इसका क्या होगा माइनस फोर एक्स होगा, माइनस थ्री का क्या होगा माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, प्लस क्या होगा सी, तो ये हो गया। देखो काफ़ी थोड़ा सा लंबा था लेकिन हमने सॉल्व कर लिए, क्लियर है। तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ओके आराम से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे ढंग से पढ़िए। ओके थैंक यू, और जाके प्ले लिस्ट में जाइए और इसका सीरियल वाइज आप वीडियो को देखिए, अच्छे ढंग से समझ में आएगा, सारा इंटीग्रेशन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है।